गए, लेट्स गो गाइस। कितने मिनट बचे? 2 मिनट। 11:20 होने वाला भाई, जल्दी आ जाओ। 11:20 पे स्टार्ट होगा अपना मैच। ईटीआर वाले आ गए भाई। लो, कल बहुत ही आतंक मचाया था इन्होंने, ईटीआर वालों ने। ईटीआर महाकाल कितने खेले? 13-14 खेल दिया था भाई ने यहाँ पे। ओके ओके एलडीके का भी स्क्वाड आ चुका है यार, कंप्लीट स्क्वाड आ चुका है यहाँ पे। खिला मम्मी नंबर होता। हाँ, मम्मा को कॉल कर, उसको बोल स्टार्ट कर देने 11:20 पे। गर्म हो रहा है। बोल 11:20 पे स्टार्ट कर देना। तो 97 हो गया यार, तीन ही जगह। हो गया भाई, लोग स्टार्ट। 1 मिनट पहले स्टार्ट कर दिया ने। एक बाबा ने डिकोलो कर Don't you call him brother? स्ट्रीम पे दोस्तों साउंड आ रहा है क्या? देखना घर पे। हाँ, मैं कितना कितना काम एक साथ कर रहे हैं। एक अच्छा, चलो दे स्ट्रीम वाला देख ले पहले। नहीं, सुरीले आवाज कोई और नहीं तो सही। हम लोग हाँ आ रहा मेरा सुरीला आवाज। हाँ आ रहा है। ओके गाइस, INDS किंग हमारे आज के पायलट है। आई होप इनको गालियां नहीं पड़ रहे होंगे ऑल चैट पे। सो आरपी पैसे वाला है तो यहाँ पे मिलिट्री में, यहाँ पे GTX शारा भाई उधर से। भाई इतनी जल्दी क्यों स्टार्ट किया यार? भाई 11:20 पे बोला था स्टार्ट करेंगे, 11:20 पे स्टार्ट किया है। 97 बंदे आ गए थे ब्रो, तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। भाई जान आप नहीं आए टाइम पे, काफ़ी 20 मिनट वेट किया ब्रो, उससे ज़्यादा क्या ही वेट करे। बंदे थक गए थे, नींद आ गए थे आधे बंदों को यहाँ पे। तो चलते हैं, हमारे यहाँ पे कितने स्क्वाड आए हैं? TNT वाले यहाँ पे घुस चुके हैं, 2 स्क्वाड यहाँ पे। निंजा का स्क्वाड आ चुका है लेफ्ट में, TNT का स्क्वाड वहाँ पे, ETX शरक का स्क्वाड, ब्लैक वाले भी आ चुके हैं वहीं पे जहाँ पे जी गए FSN मान वाले, पीछे कंपाउंड में आ जाए। तुम बोल रहे थे आज रूम नहीं होगा, हम कब बोले ब्रो? हमने ऐसा कुछ बोले ही नहीं। ETR वाले गाड़ी लेके निकल चुके हैं यहाँ पे, शायद इनका ड्रॉप सही नहीं गए। तो ATR वालों पे शॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे पीछे से। मुनीर मुनीर शॉट्स मार रहे थे। यस यस, ATR सुहेल इनके बिल्कुल सामने है। क्या ATR सुहेल को देख लेंगे? शायद देख लिया ATR सुहेल को यहाँ पे पीछे से। ATR फयाज को देख, मुनीर
ETR फायर बिल्कुल एक एचपी बचे और इनके लेफ्ट में है ETR, नहीं नहीं ETR सुहेल तो लेफ्ट में, ETR फायर बच गए, ETR सुहेल को देख लेंगे और इसी के साथ ETR सुहेल को छोड़ दिया शायद। व्हाट आर दे डूइंग, छोड़ दिया है शायद मुनीर भाई ने इस बार, चलो मुनीर ने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे फाइट हो गया है ब्लैक वालों का और फाइट ले लिया है यहाँ पे, शायद गोलियां चलाई गई। GTX शारा का एक बंदा खत्म हो चुका है, यहाँ पे ब्लैक मामबा के दो खत्म हो गए, रियल कोरोना और ब्लैक मामबा के लिए बचे हुए हैं यहाँ पे, आरडीबी मामबा और ब्लैक स्टॉप खत्म। लेफ्ट में इनके GTX शारा एंड बशर्ती, वहां पे TNT वालों का फाइट हो चुका है भाई लोग, TNT वाले ऑफिस में आ चुके हैं, इनके बिल्कुल सामने है TNT मम्बा के सामने है यहाँ पे ब्लैक मम्बा। WHF फुरमान TNT के स्क्वाड में, ब्लैक मम्बा के बिल्कुल सामने है पश्चर्ति मान के सामने WHF फुरमान। तो फिलहाल मन ना लग रहा है यहाँ पे कोई स्क्वाड आएगा इनका फाइट होगा फिलहाल। मुनीर ने देख लिया द सोल्जर को और नॉक कर दिया है, फिनिश भी कर देंगे मुनीर द सोल्जर को, फिनिश कर दिए है M416 का स्प्रे देख के। तो वहां से एक्स आमिरो वालों ने रश कर दिया है, और रूम होगा क्या पता नहीं ब्रो, होगा तो आप लोगों को मैसेज आ जाएगा। तो ब्लैक मामबा को नॉक कर दिया है वहां पे विद AKM। तो इसी के साथ GTX शरा वालों ने खत्म कर दिया इनको यहाँ पे, वहां पे TNT वर्सेस होने वाला है FSN वालों का फाइट, फुरमान एक्स आमिर FSN मान MX नजीर मुनीर एक्स काफी, फुरमान देख लेंगे एक्स आमिरो को। यस शॉट आ रहा है एक्स आमिरो नॉक, FSN मान के बिल्कुल सामने है WHF फुरमान, काफी डैमेज दिया और नेट कुक करके मारेंगे यहाँ पे, क्या ये नेट बराबर पहुंचेगा, नहीं थोड़ा नीचे पहुंचेंगे, लेट्स सी, नहीं तो देखा जाए तो मामबा यहाँ राइट से आ रहे हैं और ये बहुत बढ़िया नेट किया था, लेकिन तब तक फुरमान नीचे आ गए। डेमन के सामने एनएक्स नजीर भाई, टीम 5 को दिखाओ, वेट ब्रो ये फाइट खत्म होने के बाद हम वही दिखाएंगे इन केस अगर वहां पे फाइट हुआ तो। छत पे है मुनीर और FSN मान, नीचे एक्स आमिरो, WHF फुरमान यहां पे फुटस्टेप्स लेंगे और रूम पता नहीं ब्रो, MX नजीर के सामने राइट में है फुरमान भाई, WHF फुरमान को पड़े हैं बहुत शॉट्स, मुनीर आ गए अंदर रश कर चुके हैं यहाँ पे, TNT डेमन के बिल्कुल ऊपर ही है, TNT डेमन को देख लेंगे यहाँ पे, नेड आया है, ओह ओह बच गए। मान छत पे चढ़ चुके हैं यहाँ पे, मान के पीछे वो फुरमान, मान टीवी भी लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे और फुरमान वर्सेस मान, और फुरमान को किया है नॉक मान ने, वहां पे डेमन वालों का फाइट हो चुका है, मामबा को नॉक किया है यहाँ पे एक्स आमिरो नॉक, डेमन अकेले बचते हुए, बढ़िया स्प्रे किया था डेमन ने, दो बंदे को नॉक किया लेकिन बाकी नजीर ने बचा लिया है, MX के नजीर ने। तो खत्म हो चुका है यहाँ पे इनका स्क्वाड, तो में फाइट हो रहा है यहाँ पे। हॉरर अदनान ने INDS किंग को नॉक किया है, कौन है फाइट कर रहा है, ओके ये लोग चढ़ गए इनके ऊपर, टीम नंबर 2 चढ़ चुके हैं टीम नंबर 17 के ऊपर, टीम नंबर 17 के बंदे का है नॉक पड़े यहाँ पर INDS के किंग टॉप RP वाले,
नंबर वन और नंबर थ्री दोनों है शायद करेंगे इनके है नोबर LLC इनके पास है शॉर्ट गन एंड उजी वहां से आ जाएंगे बैड बॉय सिकंदर और शहनवाज खान एलीट वाले भी यहीं पे हैं इंडियाज में अब और इनके राइट पे टीम नंबर 8 चलते कहीं और फिलहाल मुझे नहीं लग रहा यहां पे कुछ फाइट होगा और आईएनडीएस की इनको खत्म कर दिया हॉरर अदनान ने विद उजी ETR वाले यहाँ पे ऐसे ऐसे पहुंच गए यहाँ पे AR वालों का फाइट हो सकता है विद टॉक्सिक टीम नंबर फाइव को दिखा बोल रहा था टीम नंबर फाइव वालों का फाइट होने वाला है विद AR टीम नंबर फाइव में टॉक्सिक जुली एंड BJP अमित शाह एग्जिट शो और टॉक्सिक पूरी खत्म हो चुके हैं इनके तो LDK वाले लूट रहे हैं रोजोक आराम से और अदनाक ने बर्ड बॉय सिकंदर को खत्म कर दिया सेक्स पिस्टल ने सैम यूल पांडा दुगा पता नहीं वो अभी तक देखा नहीं देखते शॉटगन का ये देख स्टाफ पर देखो यार देखो कहां से देखूं ब्रो तो AR अमित को फुटप्रिंट्स आ गए होंगे यहां पे बिग फैन जगह अरे थैंक यू ब्रो थैंक यू वेरी मच यार लाइक कर दो भाई लोग स्ट्रीम्स को प्लीज जो भी देख रहे हैं इन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार एक्सट्रीम बॉस को बहुत बढ़िया लोकेशन पे बैठे हुए हैं यहाँ पे एक्सट्रीम बॉस को के बिल्कुल सामने है BJP के अमित शाह ने दिया यार अमित ने किया है नॉक अमित शाह को बचते हैं टॉक्सिक जुली अकेले लेट्स सी यहां पे आ चुका है एक्सट्रीम बॉस को और फिनिश कर देंगे यहां पे बहुत बढ़िया लोकेशन था और ये नेड किया था शायद आईबेक्स नहीं किसने अपने ही बंदे ने किया था नॉक कर दिया नॉक तो लेट्स गो टू वेयर बशारत लोग आ चुके हैं यहाँ डिटो का स्क्वाड आ रहा है आहिस्ते आहिस्ते यहाँ पे और इनके बिल्कुल सामने है टीम नंबर वन के बशारत जी हाँ आई थिंक बशारत इज कैंपिंग ओवर हियर और यहाँ पे फ्लेयर चलाया है शायद डिटो वालों ने किन्होंने चलाया है हाँ डिटो वालों ने चलाया है फ्लेयर लोलो डिटो कल की परसों आतंक मचाया था इन्होंने यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे फाइट होने वाला है शायद टीम नंबर टू का 17 के साथ 17 के अकेले बचे हैं हमारे कौन नोबर RLC यस ये भाई अकेले बचे हैं टीम नंबर टू के वाले फाइट ले रहे हैं फिर टीम नंबर 9 क्लाउन तनी एलीट वाले हैं यहाँ पे एलीट BGS हॉरर अदनान ने किया क्लाउन तनी को नॉक दोनों ही हमारे टूर्नामेंट के बंदे हैं तो हॉरर तो फैजू रश करने वाले थे लेकिन वहां से एलीट BGS नूप का बहुत बढ़िया AKM का कवर फायर चल भी टेप एक दिखाना प्लीज भाई टीम नंबर बता दो हम दिखा देंगे ब्रो ऐसे ही मैं ढूंढता रहूंगा तो फाइट्स मिस हो जाते हैं ब्रो ओ यहाँ पे टीम नंबर 20 आते हुए पीछे यहाँ पे तो ये हो सकता है टीम नंबर हमारे 8 के लिए खतरा नहीं 8 तो दूसरा स्क्वाड है यहाँ पे हॉरर वालों ने क्या एलीट BJS नूबू को फिर से नॉक किया है यहाँ पे हॉरर के अदनान ने विद VSS हॉरर फैजू काफी ओपन में बैठे हुए हैं यहाँ पे हमारे फैजू को वापस जाना पड़ेगा हॉरर अदनान काफी ओपन से रश कर रहे हैं और इनके लेफ्ट राइट हर जगह स्क्वाड है यहाँ पे नूब ने ऑलमोस्ट था नूब ने नॉक कर दिया है हॉरर के अदनान को बहुत ही गलत रश किया है हॉरर सुहेल भी अब आ चुके हैं हॉरर सुहेल को देख लेंगे फिर से एलिट के नूब राइट साइड से वहां से रश कर बैठे यहाँ पे आई एम डैडी वाले हॉरर सुहेल को पड़ गया यहाँ पे
नॉक एंड फिनिश। अब बचता है यहाँ पर डेविल रॉक्स अकेले इनके स्क्वाड के, फंस चुके सैंडविच सिचुएशन फॉर डेविल रॉक्स। पीछे वास्ते है एलीट बीजीएस के नूप, यहाँ पे लेकिन टीम नंबर 9 पे चढ़ चुके हैं यहाँ से लेफ्ट से टीम नंबर 8 सैड अब्बास का स्क्वाड। डेविल रॉस अकेले बचते हुए अपने स्क्वाड के, तो डेविल रॉस को देख सकते थे नूबू लेकिन नहीं देखा है यहाँ पे नूबू ने इनको। तो क्लाउन तनी ने द ब्लैक को किया नॉक विद UMP। नूबर आर एलसी अभी भी आराम से बैठे हुए। जेड अब्बास ने किया है यहाँ पे नॉक, आई थिंक दे विल रश। यस क्लाउन तनी अकेले यहाँ पे बचे, दो नॉक है इनके। क्लाउन तनी लो ऑन एचपी, ब्रो उजी काफी पीछे बैठे है यहाँ पे। हसनैन वानी का AKM का बढ़िया स्प्रे, ब्रो उजी ने किया है उजी के साथ दो बंदे नॉक, नहीं एक ही नॉक किया है। जरा बस को नॉक कर सकते थे ब्रो उजी विद उजी, ब्रो उजी नाम भी उजी और उठाया भी उजी। लेट्स सी जेड अब्बास पीछे आ गए यहाँ पे, वहां पे हुसनैन वानी को दे देंगे रिवाइव। वहां पे फाइट हो चुका है ब्रोजी, फॉल बैक कर चुके हैं और निकल जाएंगे शायद। जेड अब्बास को किया है नॉक वहां से, टीम नंबर 20 वाले कर रहे हैं थर्ड पार्टी इधर से। अब होगा आएगा डेविल फेरोन ने डीप पी का स्प्रे दिया तो था लेकिन नॉक नहीं कर पाए। यहां से एवेंजर हनु कवर दे सकते हैं इनको अगर वो विंडो पकड़ते तो, लेकिन वो गए हैं अपने स्पॉट के पास। डीपी का स्प्रे सही से कनेक्ट नहीं हुआ। हसनैन वानी बहुत बढ़िया गन पावर दिखाते हुए इनके स्क्वाड के लिए, वहां से आ चुके हैं टीम नंबर और एक टीम यहाँ पे याद नया में। डेविल रॉक्स वहां से पीछे से चढ़ चुके हैं, ब्रोजी ने देख लिया यहाँ पे, फ्लैंक कर दिया है यहाँ पे ब्रोजी ने। हसनैन वानी को नॉक किया है, इनके सामने आया गैर अब्बास। रश कर रहे हैं यहाँ पे ब्रोजी, देख लेंगे और इसी के साथ एलीट वालों का स्क्वाड खत्म यहाँ पे। अब बचते हैं यहाँ पे जेड अब्बास का स्क्वाड और राइट से और एक स्क्वाड आते हुए यहाँ पे स्पाइडर एवेन्यू वालों का। तो बचते हैं टीम नंबर 8 टीम नंबर 20 यहाँ पे और यहाँ पे और कौन सा टीम है, और कोई टीम नहीं, यही तीन दो टीम बचते हैं यहाँ पे। एनओ आईएनडी के समीर काफी दूर चले गए, यहाँ पे एलडीके वालों को फाइट हो चुका है शायद। एलडीके वाले अभी बैठे आराम से मेंशन साइड, इनका फाइट नहीं होगा। यहाँ से केओ वाले आ रहे हैं, यहाँ पे हो चुका है लोलो वालों का फाइट आई गेस। ये लोग ब्रिज कैंप कर बैठा है यहाँ पे लोलो वाले एमएक्स वालों के लिए, और एमएक्स वालों ने शायद वो लोग जाएंगे अब बाय बोट आई गेस। हॉरर अल्फा देख रहे हैं इनको जाते हुए, इन लोगों ने देख लिया अब नहीं आएंगे यहाँ पे। और वहां से लेकिन यहाँ पे ये होल्ड कर रखा है ये एरिया ईटीआर वालों ने, नहीं ईटीआर वालों ने एक बंदा खो दिया है ईटीआर सहेल। बाकी फयाज महाकाल एंड वाहिद निकल चुके हैं, तो भी देखा जाए तो 12 स्क्वाड अपने जिंदा हैं। देखते हैं टीम नंबर 12 एंड टीम नंबर 15 आमने सामने शायद फाइट लेंगे कैंडली के थचुंग के सामने। टीम नंबर 12 फिनिक्स वाले हैं यहाँ पे हमारे,
अदरवाइज ब्लैक वालों के सामने आए एन आई एन डी के समीर, आई एन डी समीर अकेले सोलो, नहीं 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 इनके साथ इनका पूरा स्क्वाड है। यस जे के सी निंजा सिर्फ आप कर डिट्टो वालों का हो गया फाइट। यस यहाँ पे ए टी आर वर्सेस लोलो दोनों अच्छे स्क्वाड, ए टी आर के एक बंदे ख़त्म, फयाज और महाकाल अकेले बचते हुए यहाँ पे। लेट्स सी फयाज भी नॉक, महाकाल अकेले बचते हुए यहाँ पे ए टी आर के। कैन यू सी अ क्लच डिट्टो नॉक बाय महाकाल, बहुत बढ़िया स्प्रे गिट्टो ने ईटीआर फयाज को किया है नेड के साथ फिनिश, बट लोलो को देख लेंगे यहाँ पे बैट जोकर डिट्टो को रिवाइव दे देंगे वहां पे। हॉरर अल्फा लेफ्ट से पकड़ के और ये बहुत बढ़िया नेड हो सकते थे लेकिन ज्यादा ही कुक कर बैठा और एक नेड आया है। गिट्टो रिवाइव हो चुके हैं, बैट जोकर पीछे वाले कंपाउंड पर कर लेंगे। आउट ऑफ जोन भी है और शायद ये गाड़ी फोड़ के खत्म हो, नहीं बच गए। लोलो लेफ्ट से फ्लैंक कर बैठे हैं यहाँ पे। हेलो ब्रो, हेलो हेलो हेलो, नेड की बारी यहाँ पे, माँ काला को खत्म कर दिया इसी के साथ हॉरर अल्फा ने स्कारल के साथ, तो यहाँ पे ईटीआर का स्क्वाड खत्म इसी के साथ। तो बढ़िया खेले ईटीआर वाले, हाउ टू जॉइन योर कस्टम रूम्स ब्रो। हम हर रोज़ करते हैं व्हाट्सएप पे ग्रुप है अपना, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे रूम आईडी और पासवर्ड आ जाता है रात को। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो आप, बेल आइकन दबा दो, जब भी हम आएंगे ऑनलाइन आपको अपडेट आ जाएगा, इन केस आपको व्हाट्सएप पे ज्वाइन नहीं करना है तो ब्रो। अगर आपको व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना है नीचे दिए गए नंबर पे आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप लिंक दे दो ब्रो, नीचे दिए गए नंबर मुझे मैसेज कर देना, या इंस्टाग्राम पे यही पेज है अपना, इंस्टाग्राम पेज पे आप लोग फॉलो कर सकते हो, उधर डीएम भी कर सकते हो हमें। और यहाँ पे ज़रा बक स्क्वाड जा चुके हैं 3 नंबर 12 के पीछे। लेट्स सी चूहे बिल्ली के खेल में कौन बच पाता है यहाँ पे ब्रो। नेक्स्ट रूम होगा, होगा ब्रो, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। के बाद नेक्स्ट रूम होगा वो हमारे को स्टार को कमेंटेटर सी एस रिक होस्ट करेंगे। क्या बोलते हो रिक, आपके फैंस चाहते हैं आप यहाँ पे आप होस्ट करो, क्यों करे भाई ना मुझे मुलिक अच्छा ना, मतलब भाई इसके हमको को देना बच्चे नहीं अभी से आओ ना भाई, क्या बात करते हो। और जेड अब्बास वालों ने शायद पता नहीं चला इनको कहाँ गए ये लोग। और टीम नंबर 12 इनविंसिबल अख्तर का स्क्वाड ऊपर है यहाँ पे, डोंग वर्सेस हो सकता है फाइट। टीम नंबर एलडीके का स्क्वाड, एलडीके के एक बंदे जिसके है खुशबू और बाकी थीम वाले निकल चुके हैं वहाँ पे, उन वो लोग जा चुके हैं यहाँ पे, और एक स्क्वाड है यहाँ पे, यहाँ से भी बच गए हैं। लेकिन यहाँ पे ए बी ओल्ड बॉय का स्क्वाड है यहाँ पे इनविंसिबल अख्तर के स्क्वाड के पास, इनविंसिबल अख्तर यहाँ पे स्प्रे देखते हुए बच गए हैं। के ओ के डेविल्स क्राई वहाँ से डोंग वाले यहाँ पे थर्ड पार्टी कर रहे हैं डेविल्स क्राई वालों को, आई थिंक इनको हील भर देना चाहिए। यहाँ पे टीम नंबर 15 ऊपर वाले इस पे आ गए हैं रिच पे, डोंग ने किया है कोरोना स्वीटी को नॉक, इनविंसिबल अख्तर करते हैं कोरोना स्वीटी को फिनिश करने की कोशिश बाय टूर्नामेंट टाइमिंग दिया गया है ग्रुप, टूर्नामेंट टाइमिंग ग्रुप में व्हाट्सएप के ग्रुप में वहाँ पे आप देख ले सकते हो। वहाँ पे टीम नंबर 15 अब ऊपर से आ गए एलडीके, थकम वाले एलडीके वाले आ चुके हैं ऊपर हमारे, तो इनका जैसे ही फाइट होगा आई एम श्योर यहाँ पे थर्ड पार्टी करने के लिए ज़रूर आएंगे एलडीके वाले ब्रो। व्हाट्सएप नंबर की तरह नीचे दिया गया है ब्रो, नीचे देख लेना जी पे नंबर जो है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर ही है। यहाँ क्या हो रहा है, इनविंसिबल चो, इनविंसिबल चो कोरोना स्वीटी को भी नॉक करते हुए, अकेले बचते हुए आई थिंक निकलना ही बेहतर होगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी फॉर श्योर हो सकता है, केओ जिमी को रिवाइव कर देंगे, नहीं केओ जिमी अकेले बचते हुए। जोकर दिखाओ भाई, जोकर को कैसे दिखाएंगे ब्रो, बहुत जल्दी यहाँ पे आईबैक्स स्क्वाड वालों को फाइट हो चुका है लोलो वालों के साथ, लोलो वाले भी यहाँ पे पहुँच चुके। एवरीबॉडी वांट्स दिस कंपाउंड,
लेकिन ये कंपाउंड आउट ऑफ जोन है, पता नहीं क्यों यहाँ पे लोलो वाले चढ़ चुके हैं, यहाँ पे डॉम वालों के जोन, डॉम वालों के ऊपर। यस नहीं, ES3 वाले हैं, ES3 वर्सेस आइबेक्स स्काउट का फाइट होने वाला है यहाँ पे। लेट्स सी, बढ़िया खेलती है ES3 के नॉक्स अपने। नेड चुक करके वापस ही गए और आइबेक्स स्काउट को नॉक कर दिया ES3 के गोस्ट ने, बहुत बढ़िया नेड किया था। इनके भी दो बंदे नॉक है यहाँ पे। ES3 समुराई रिवाइव दे देंगे अपने बंदे को यहाँ पे। तो इनके दो ही बंदे हैं, इनके चार बंदे हैं। लेट्स सी, इनका एक बंदा शायद आउट ऑफ जोन मर गए थे, एलाइस रूनी जो भी है। बढ़िया स्प्रे बाय फ्री किल, और समुदाय को भी नॉक कर दिया फ्री किल ने। लोलो का स्क्वाड दिखा, वेट ब्रो ये फाइट इन फ्राइट डिवीजन में कैसी किसी को दिखा सकता हूँ, आप खुद बोलो ब्रो। एडली के थर्चुक ने वहां पे फिनिक्स के जीएक्स को खत्म कर दिया है। फ्री किल अकेले बच्चे के साथ, फ्री किल खत्म। यहाँ पे थाचुंग वालों का फाइट हो चुका है, थाचुंग वाले निकल चुके हैं जोन में। यस वेयर इज डिट्टो यार, डिट्टो कहाँ है, मुझे डिट्टो नहीं दिख रहा है, डिट्टो का स्क्वाड कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आई एम द ब्लैक वालों का फाइट हो रहा है विद डिट्टो। ये लो भाई डिट्टो जिनको भी चाहिए था, यहाँ पे इनका फाइट हो रहा है लोलो वालों का। डिट्टो के लेफ्ट पे कंप्लीट स्क्वाड, अगर ये लेफ्ट पे चले जाते हैं तो ये पूरा स्क्वाड खा सकते हैं इनका। आई एम टैडी, रश करे, लोलो नॉक पड़े है यहाँ पे। डेविल और दीन लोलो को फिनिश करने वाले हैं शायद। यस इसी के साथ पूरा स्क्वाड खत्म कर दिया है यहाँ पे। टीम नंबर 20 ने बहुत बढ़िया खेले, लोलो डिट्टो एंड हॉरर सुहेल जो भी था सब खत्म हो गए भाई लोग। यहाँ पे अभी फाइट हो रहा है इनका यार, टीम नंबर फिनिक्स वालों का विद BNF। अफनान वाणी को किया है नॉक, जोन निकल चुका है यहाँ पे। अफसर भी नॉक और पूरा स्क्वाड, जहां तक मुझे लगता है ये सब यहाँ मरेंगे, जोन का डैमेज खा रहे सब। इनविंसिबल चू अकेले बचते हुए रिवाइव करेंगे, खुद भी मरेंगे। आई डोंट थिंक ही विल सर्वाइव, नहीं 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 ये नहीं बचेंगे। तो इसी के साथ ये स्क्वाड यहीं पे खत्म जहां तक मुझे लगता है। टीम नंबर 23 से स्क्वाड मार रहे है एनओ के बंदूक पे। ओ एकदम एक HP बचे है डॉन के नंबर 2 नासिर एशटी नॉक्ड। तो जैसे कि मैंने कहा पीछे वाले सारे बंदे मर गए विद जोन, आउट ऑफ जोन फाइट ले रहे थे, या तो उनको पहले रेव नहीं करना चाहिए था, अपना हील बदना चाहिए था। तो यहाँ पे ब्लैक वालों को फाइट हो गया शायद। यस किन के साथ, एक्सट्रीम वालों के साथ, AR वालों के साथ फाइट हो चुका है। AR वालों ने फिनिश कर दिया यहाँ पे, और स्कॉट कैम्बे नॉक पड़े इनके, रिवाइव हो जाएंगे। कैम्बे जोन अकेले होल्ड कर रहे हैं ये लोग अकेले, बाकी सब दो स्क्वाड आउट ऑफ जोन है। डोंग नॉक पड़े, उनके नासिर HT नॉक पड़े, INDI समीर भी नॉक पड़े। INDI समीर रिवाइव हो जाएंगे। नॉक्स ओपी ऊपर से प्लान करते हुए देख लिया है, MRS शूटर को भी देख लिया है डोंग 02 ने। हमारे शीटर नॉक पड़े, INDI के समीर अकेले बचते हुए अब इनके स्क्वाड के, नासिर HT को फिनिश कर दिया इन लोगों ने। स्मोक बना गया, आई थिंक इन लोगों को जोन निकल लेना चाहिए अब तो। AR वालों दिखाओ भाई, AR वाले अकेले जोन में बैठे यार, वहां पे कोई बंदा है नहीं, ये लोग बस जोन में आराम से बैठे हुए। तो अभी इन दोनों में से जो फाइट, अच्छा ये लोग अब ऐसे जोन में निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे कहाँ, अगर इन्होंने कंपाउंड पर रश किया तो वहाँ AR वाले रेडी है। ये आ गए AR वालों के सामने,
टीम ES3, तीन बंदे तीन स्क्वाड है यहाँ पे AR के, अमित तो यहाँ पे भाई लोग उतर चुके हैं, यहाँ पे पीछे से आ रहे हैं आईएनडी के समीर वाले, थर्ड पार्टी कर सकते हैं आईएनडी के समीर वाले पीछे से, नॉक अभी देख रहे हैं आईएनडी समीर को, नॉक कर दिया विद AWM, बढ़िया फिनिश कर देंगे। अब बचते हैं हमारे शूटर अकेले, नाउ जहाँ तक मुझे लगता है बस यही दो स्क्वाड बचेंगे, वो तो जोन से मर जाएंगे। यार से नेट कर रहे हैं यहाँ पे, इनके पास काफ़ी नेट होंगे, यहाँ पे दो तीन स्क्वाड मरे थे, डोंग टू हो गया है नॉक एक्सट्रीम बॉस्को ने, आई थिंक दे विल रश, बढ़िया नेड और एक तो रश कर देना चाहिए, AR सिड रश कर रहे हैं, रिवाइव हो जाएंगे तब तक डोंग टू, व्हाट्सएप नंबर नहीं है ब्रो डिस्क्रिप्शन में, बस इस मैच के बाद दे देंगे हम ब्रो। AR अमित रश कर चुके हैं यहाँ पे, ESC के नॉक हो गए हैं अमित के द्वारा, तो यहाँ पे घोष भी नॉक, अब बचे यहाँ पे डॉम अकेले इसी के साथ चिकन डिनर बाय अपना AR, बढ़िया खेले AR वाले। हाँ तो भाई कौन था अपना व्हाट्सएप नंबर ब्रो नीचे दिया गया यार, जहाँ पे वो जी पे लिखा है, मैं आपको सेंड करता हूँ 9901093938, इस पे टैक्स कर देना ब्रो, ये हमारे व्हाट्सएप जो भी होल्ड करते जो व्हाट्सएप संभालते हैं उन्हीं का नंबर है, सॉरी ये नहीं है, ये है ब्रो और रूम है ब्रो, और एक रूम होगा, अभी हम रूम खोलते हैं, एक सेकंड गिव मी अ मिनट, जस्ट नाउ ओपन द रूम, ठीक है कट यार उसको कॉल करने
हाँ ब्रो रूम खोल रहे हैं, 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट में खुल जाएगा, आपको आ जाएगा व्हाट्सएप ये आईडी पासवर्ड, 2 मिनट वेट करो। हाँ तो भाई रूम आईडी और पासवर्ड शेयर कर दिया है, जल्दी जल्दी आ जाओ जिन जिन को आना नो, है। नो, नो। दास्ता, और देखा देना अभी हो गया रूम ठीक है स्टार्ट एट दिन। रूम स्टार्ट होगा 12:10 पे, 12:10 पे रूम वैसे ऑप्शन चाहो 12:10 पे स्टार्ट होगा बोल दे एक्यूरेट, और उसको भी मैसेज कर बोल 12:10 पे स्टार्ट भाई, कर तो दे चाहे 10 हो चार्ज चाहे 20 करेगा हो, ना 13% कितने पे 12:10 पे। ए उसको भी कॉल करके बोल 12:10 पे का सीधा स्टार्ट बोल सर, माना चाहे एक भी आए दो भी आए। चलो ना बैटरी लो छीन लिया, अच्छा मिल गया बस। याँ 1600 1600 3000 यार तू उसको कॉल करके बोल देना। ओ सॉरी ओ पासवर्ड 1122 है। ओ मी जाके का मैक्सी जान ऐड बोस आई शॉट यार ना है 11 12 12 दा सिका स्टार्ट बोस है एग्जैक्ट बोल यार पापा सजन राजी हो जाए ग्रुप का कैप्टन है ठीक मैसी ठीक बात है ना बात कर लो क्या क्या है वो मैं तो इस्लाम
dude. Yom Dukpin Patel. My god, look at this dude. प्रिंट मिन्दु पे 12 6 हो गए 4 मिनट बाकी है भाई लोग जल्दी आ जाओ एवरीवन कम फास्ट माय गॉड लुक ये हम अंडरडॉग्स को देख रहे हैं यहां पे पापा रंजीत टीएनटी मंबा बंबलबी और एक्स अमीरो इनको डोंट टेक देम लाइटली बिग डॉग नीचे है टीएनटी ऑप्टिमस टीएनटी अजाजल टीएनटी चंगेज एंड बशर्ती भाई तो गाइस लाइक करना ना भूले ओ स्ट्रीम पुट भी ना तो सब कोई मैसेज ही नहीं कर रहे यार क्या गुंगे बहरे हो गया अपने तू ले क्या ना मैं पैसे दे रहा हूं मैं हां हां लेके आओ क्या क्या अभी थोड़ी पीना है फिर अभी पीएंगे भाई यार डिनर के बाद मुझसे बात चाय बना यार यम्स तू खेल नहीं रहा ना यार यम्स चाय बना अबे 1 लीटर वाला लेके आ जा खाने के बाद पी ले स्ट्रीम पे चल रहा है इसका देखो क्यों ना क्योंकि स्क्वाड ज्यादा है ना तो कहीं पे दो स्क्वाड एक साथ उतरेगी गन फाइट होगा जो में तो पक्का गन फाइट होगा दो तीन स्क्वाड का नहीं होगा जोर जोर में नहीं होगा देख लेंगे तो लेट्स सी जोर जोर में नहीं उतरेगा तो भाई लोग आ चुके हैं अपने बंदे यहां पे आईजीएस खबीब आ चुके हैं आज शो मिस्टर खबीब इन द टाउन गाइस कल से अपना टूर्नामेंट स्टार्ट है प्लीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है टाइम पे आ जाइएगा जिन्होंने नहीं किया है प्लीज हमारे वीडियोस को देख के लाइक जरूर करना उनको कमेंट जरूर करना कैसा लगा कल से शायद हमारा टीएनटी भी मजा नहीं है मेरा टीम थोड़ी ना है तुम्हारा टीम है किसका था अपना MRX शूटर भाई लेट्स सी नो रिप्लाई में कौन जाता है
जॉर्जो आज भाई बहुत बढ़िया प्लेन पाथ बना है मिलिट्री नो, वो हर एक जगह बंदे पहुंच सकते हैं, सिर्फ सेवर्नी नहीं पहुंच सकते, कमश्की नहीं पहुंच सकते, बाकी हर जगह पहुंच सकते हैं भाई लोग। सेवर्नी बंदूक वाले बंदूक के लिए मुझे अफसोस हो रहा है, और यहाँ पे आ चुके हैं, ओ माय गॉड सॉरी, लेकिन मैं यहाँ पे काफ़ी फाइट मिस कर पाऊँगा मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी स्क्वाड उतरे हैं यहाँ पे हमारे नोवर रिपनॉय में। लेट्स सी गन फाइट करते हैं क्या कोई, यस यहाँ पे गन फाइट हो चुका है। आईजीएस खबीब सोलो उतर चुके हैं यहाँ पे, आईजीएस खबीब को मिल चुका है घंटा, और इनके पर रश कर चुके हैं 90s के अली को मिल चुका है M1604, और आईजीएस खबीब के पार्टनर टीम WHO फुरमान को कर दिया है 90s के अली ने नॉक विथ M1604। और यहाँ पे आईजीएस खबीब पहुँच चुके हैं यहाँ पे इन वेयर हाउस इनके पार्टनर, तो यहाँ पे लूटा किंग डजंट हैव अ गन तो फुरमान को कर देंगे रिवाइव। वहाँ पे सेक्स पिस्टल का भी स्क्वाड आ चुका है, हॉर्सू यहाँ पे 90s अली के साथ, तो फरमान रिवाइव हो जाएंगे। जेड अब्बास एंड BNF लाइकन आ चुके हैं यहाँ पे टीम नंबर, इनका कंप्लीट स्क्वाड है यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, तो फरमान को रिवाइव करके आज जैसे खबीब वापस आ चुके हैं हॉर्सू एंड 90s के अली यहाँ पे, वहाँ से टीम नंबर है इनके सामने ही टीम नंबर 2 टी वीर कार 98 लेके विद आयरन साइट नो स्कोप, खबीब पे शॉट मार रहा है, वहाँ AR1 का फाइट हो चुका है, लेट्स गो टू दैट फाइट। यहाँ पे फाइट हो रहा है यार मिलिट्री में, मिलिट्री का भी स्क्वाड उतरे है यहाँ पे, लेट्स सी गाइस टीम नंबर 4 का फाइट होने वाला है यहाँ पे विद टीम नंबर 14। यहाँ पे जंग छिड़ चुका है अलर्ट को हेरोजॉक, बिल्कुल दिखाएंगे ब्रो। टीम नंबर 15 AR वालों का फाइट खत्म हो चुका है यहाँ पे, टॉक्सिक वाले कांट सी एनीवेयर, एवेंजर्स सहित अकेले बचे शायद, इनके सामने है AR के अमित AKM लेके, एवेंजर सहित लेफ्ट साइड में यार अमित आ चुके हैं भाई, आपने तो जल्दी ही स्टार्ट किया, नहीं ब्रो बराबर टाइम पे स्टार्ट किया 12:10 पे, यार अमित को ने फिनिश कर दिया इसी के साथ एवेंजर सहित को, तो इसी के साथ द जोकर वाले यहाँ पे आहिस्ते आहिस्ते आ रहे हैं AR वालों के पास, ऊपर से फ्लाइंग मार रहे हैं द जोकर, तो लेट्स गो टू अनदर फाइट, वेयर इज अनदर फाइट, यहाँ पे ऑप्टिमस वालों का फाइट हो सकता है विद क्रेजी I03 अकेले बचते हैं। अच्छा ये लोग निकल चुके हैं, कल्टी मार चुके हैं यहाँ से सिटी में, लेट्स अगर देखा जाए तो सिटी में एलीट वाले हैं, अबू जेम्स वाले हैं, MU वाले आई मीन, एलीट BGS नुबू क्लाउन तनी, पिछली बार ये लोग उतरे थे या नया पोलियाना में, इस बार भाई लोग उतर चुके हैं जॉर्जो सिटी, यहाँ पे डिडो का स्क्वाड भी यहाँ पे आते हुए इनके ऊपर, तो फॉर श्योर ये लोग थर्ड पार्टी करेंगे, तो डिडो देख लेंगे मोहम्मद हसन को, मिनी 14 काफी छलांगे मार के और नॉक, फाइनली नॉक डिडो के द्वारा, MU एकॉन ओ शॉट गन इतने दूर से, तो MU के कौन को किया है नॉक लोलो ने, तो रश कर रहे हैं यहाँ पे लोलो वाले, और यहाँ से एलीट BGS ब्रो उनकी देख लेंगे यहाँ पे डिटो के स्क्वाड को आते हुए, यहाँ पे चढ़ चुके हैं लोलो वाले, डिटो ने किया अबू जेम्स को नॉक विथ मिनी 14, और MU का अकाउंट को फिनिश कर देंगे यहाँ पे लोलो ने, फिनिश नहीं किया मिलिट्री बेस, चलो भाई भाई जरूर चलेंगे, बस ये फाइट खत्म होने दो, ब्रो उजी को यहाँ पे पीक लेके विथ मिनी 14,
क्लाउन तानी काफी नीचे पहुंच चुके हैं। क्लाउन तानी के सामने है मुन्नीर, छोटा सा टैग पड़ा है यहाँ पे यूएमपी का, और लेफ्ट साइड से आ चुके हैं यहाँ पे लोलो क्लोजिंग कर चुके हैं वहां पे और वहां पर डिट्टो वालू ने बुजेंस और उनको खत्म कर चुका है। मुनीर वाले आ चुके हैं, लोलो नॉक पड़े हैं यहाँ पे, मुनीर रिवाइव कर देंगे यहाँ पे लोलो नॉक। 3000 मशीन मार गया फनन नू वाले क्या कर रहे, आई थिंक इन लोगों को नेड कर देना चाहिए या तो रश कर देना चाहिए। एमयू कैप्टन अकेले बचते हुए इनके बंदूक के, और ये बढ़िया नेड भाई हिट हो गया। तो नूबू वाले पीछे फॉल बैक कर चुके हैं, यहाँ पे नूबू देख लेंगे एमयू के कैप्टन को। एमयू के कैप्टन ने मुनीर को नॉक कर दिया है वहां पे, ऑल पे हमारे एमयू वालों का ही आवाज आ रहा है। आई होप इनके पूरे स्क्वाड को खा लिया इन्होंने, डिटो ने फिनिश कर दिया इसी के साथ। एमयू के कैप्टन को मुनीर को रिवाइव मिल जाएंगे। तो एलीट वाले अभी भी पीछे बैठे हुए हैं, एलीट नूबू को रश कर देना चाहिए। नूब फिर नूब ऊपर बैठे हुए लोलो यहाँ पे, लोलो को पता है यहाँ पे, इनको पता है अभी और एक स्क्वाड है यहाँ पे, क्योंकि ये वाले मिलिट्री बेस दिखाओ आदित्य पर यार। दो सेकंड यार, बस वही फाइट दिखाऊंगा, ये फाइट तो एटलीस्ट खत्म होने दो। हर एक फाइट तो मैं एक टाइम पे कवर नहीं कर सकता ब्रो। कहाँ यार मिलिट्री में फाइट कहाँ हो रहा है ये लोग, मिलिट्री ओके ब्रो मिलिट्री लेट्स गो। मिलिट्री में कुछ फाइट्स हो ही नहीं रहे ब्रो, ये लोग अकेले बैठे हैं यहाँ पे, कहाँ ही फाइट्स हो रहे हैं, कुछ फाइट्स नहीं हो रहे। लोलो वाले को फाइट हो चुका है यहाँ पे, नूब M6 नॉक कर चुके हैं मुनीर को फिर से, और एक बार मुनीर नॉक हो गए यहाँ पे। लोलो नूबू नॉक हो चुके हैं, नूब यहाँ पे बैठे हैं, मुनीर भी वहाँ पे नॉक, इनका एक बंदा स्मोक करके आई थिंक इनको, और यहाँ पे रिवाइव देने गए थे क्लाउन सनी। बहुत बढ़िया कवर बाय नूब, रिवाइव हो जाएंगे शायद इस बार नूबू ब्रो। उसी राइट से फ्लैंक करके चले गए हैं यहाँ पे, क्लाउन तनी को भी नॉक कर दिया डिट्टो ने, लोलो को नॉक कर दिया लेफ्ट से यहाँ पे ब्रो उसी ने, दोनों को एक एक माउंट मैन डाउन फिनिश कर दिया है यहाँ पे। डिट्टो ने फिनिश कर दिया यहाँ पे, ओह बढ़िया S12 के चलाते हुए यहाँ पे डिटो नॉक पड़े। और मुनीर को खत्म कर देने के साथ एलीट वालों ने डिटो को स्पॉट। यहाँ पे अल्फा ट्राइगन आ चुके हैं पीछे से, अल्फा वाले थर्ड पार्टी करने के लिए पीछे से आ चुके हैं। तो ये लोग रिवाइव हो जाएंगे, अल्फा टॉर्पिडो देख लेंगे शायद यहाँ पे ब्रो उजी को, भाई स्कूल दिखाओ ओके ब्रो। टॉयलेट विजेस नूबू को नॉक कर दिया यहाँ पे टॉर्पिडो ने, ब्रो उजी ने देख लिया यहाँ पे अल्फा टॉर्पिडो को आते हुए लेफ्ट से। बढ़िया कारल का स्प्रे विथ हॉलो, राइट में ट्राइगन बैठा है शायद उसी को नहीं पता होगा गाइस। क्लाउन तो नहीं फिनिश हो चुके हैं इनके, बहुत बढ़िया गेम प्ले दिखा रहे हैं यहाँ पे ब्रो उजी, और कारगिल रिवाइव करते हैं और इसी के साथ कारगिल को भी फिनिश कर दिया है। बचते वहाँ पे अल्फा टॉर्पिडो अकेले, कारगिल भी फिनिश, इसी के साथ ये स्क्वाड खत्म। यहाँ पे कोई बता रहा है हमें स्कूल दिखाओ, तो ये स्क्वाड खत्म भाई नो दिखाओ।
हेलो भाई नोवो सेक्स पिस्टल वाले हैं नोवो में, नोवो में कोई स्क्वाड नहीं है, सिर्फ पीडीवाई पप्पा या अकेले बच्चे शायद, ये लोग कैंप कर रहे हैं यहाँ पे। ओके कहीं फाइट नहीं हो रहे ना, होप स्कूल में ब्रो एआर वन को फाइट होने वाला है विद फिनिक्स, काफी क्लोज आ चुका है, लेट्स गो टू दिस फाइट विद टीम नंबर 10 एंड टीम नंबर 12। मिलिट्री दिखाओ बस भाई, ये फाइट खत्म होने तो मिलिट्री दिखाएंगे। टीएनटी अजाजिल ने अल्फा जेंटोनी को नॉक किया वहां पे। फिनिक्स एयर कैम्बे ने बहुत बढ़िया नेड मार के दो बंदूक को नॉक कर दिया है, यहाँ पे रश कर चुके हैं अब फिनिक्स के भी नॉक। अब फिनिक्स वालों के सिर्फ शायद एक ही बंदे बचे हैं, फिनिक्स एनएम, और वो कहीं और ही बैठे हैं, तो इसी के साथ मुझे लग रहा है यहाँ पे फिनिक्स का स्क्वाड खत्म हो जाएंगे इसी के साथ। भाई एआर स्कूल पे तो काफी पहले से यार इनका एआर वालों का होल्ड रहा है यार, टूर्नामेंट में पिछले टूर्नामेंट में भी स्कूल पे ये लोग हमेशा होल्ड करते थे, और इनका जो स्क्वाड रोटेशन है बहुत ही ओपी है। तो यहाँ पे लेट्स गो टू मिलिट्री, यहाँ पे एनजी वालों को फाइट होना है, एनजी पर हार, रायना मेरू मिट है और व्यूज गॉड का फाइट होने वाला है विद टीम ई एस थ्री। नॉक्स है यहाँ पे टॉक्सिक जुली, यहाँ पे व्यूज गॉड नॉक पड़े हैं, यहाँ पे जू टॉक्सिक जुली के राइट में है एनजी पर यार, वहाँ पे वुल्फ को देख लेंगे, यहाँ पे वुल्फ रेस्ट कर बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन वुल्फ को यहाँ पे फिनिश कर देंगे आई गेस एनजी पर यार। एनजी पर यार अकेले बचते हुए वन वी टू सिचुएशन, टॉक्सिक जुलू जुली एंड ई एस थ्री नॉक्स भी होता है, वन वी थ्री सिचुएशन है, तो इसी के साथ एनजी पर यार का स्क्वाड खत्म बाय टॉक्सिक गाइस। तो यहाँ पे चलते हैं, अभी भी यहाँ पे ये लोग कैंप कर रहे हैं, पी ओ वाई पोपाई टी वीर और इंडियन सी नीचे है, यहाँ पे बी एन एफ फ्लाइकन एल ओ सी जुबैन सेक्स पिस्टल जेड बैरल विद 4x टी वीर। तो जोन आने वाला है विद इन, अभी है दो मिनट है जोन के लिए, तो यहाँ पे फ्लेयर मंगाया है जुबैन वालों ने, यहाँ पे जोन सेक्स पिस्टल के पास है ए के एम एंड थॉमसन, ओम उठाया है यहाँ पे हमारे जेड अब्बास ने, तो फिलहाल यहाँ कोई फाइट नहीं देखने को मिलेगा शायद यहाँ पे, लेकिन टीम नंबर 23 और टीम नंबर 9 का फाइट हो सकता है, वहाँ पे फाइट हो सकता है शेल्बी शेल्बी वालों का भी टीम नंबर 19। लेट्स गो टू दिस फाइट, यस गाड़ी वर्सेस गाड़ी, शेल्बी गाजी और लॉक यहाँ पे एक्स मैन, ओए भाई शायद ये टीम अप वाले हैं आई थिंक, नहीं हाँ ये टीम अप वाले हैं, शेल्बी का कंप्लीट स्क्वाड टीम अप करते हुए यहाँ पे इन क्वेरी, लेट्स गो टू देम देन। तो ये लोग अभी भी कैंप सजा के बैठे हुए हैं इन नोवो, तो यहाँ पे दिया है पार्टे से एलओसी जुबैन ने, आई थिंक दे विल रश नाउ, यस एब्सोल्युटली राइट रश कर चुके हैं भाई लोग, वेयर इज टी वीर, आई होप टी वीर अच्छे से इनको कवर दे दे ताकि रश इनका फेल कर दे, नहीं तो ये स्क्वाड खत्म हो सकते हैं। यहाँ पे जुबैन ने यहाँ पे नॉक किया है एल ओ सी जुबैन को नॉक कर दिया यहाँ पे टी वीर ने, लेकिन लेफ्ट में और एक बंदा है सेक्स पिस्टल, सेक्स पिस्टल रिवाइव कर देंगे, टी वीर ने किया है नेड, आई होप ये ना जाए अंदर, ओके नहीं तो ये उतना डैमेज नहीं देगा। बी एन एफ के लाइकन आ चुके हैं यहाँ से राइट से फ्लैंक मार के, ऊपर है टी वी, बहुत बढ़िया फ्लैंक मार रहा है यहाँ पे बी एन एफ के लाइकन ने,
और वहाँ पे टी वीर आ चुका है, टी को भी नॉक कर सकते हैं और बचते हैं इनके अकेले सोलो और वो भी खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे बीएनएफ वालों ने खत्म कर चुका है ये स्क्वाड। तो यहाँ पे फायर्ड हो सकता है अब टीम नंबर 23 का, टीम डी अजाजिल का स्क्वाड 3 किल के साथ, 2 किल टीम डी अजाजिल ने लिया। यहाँ पे आईवेक्स स्काउट का स्क्वाड आ रहा है इनके सामने, टीएनटी अजाजिल ऊपर से देख रहे हैं, बंदे आ रहे हैं इनको दिख रहे हैं, यहाँ पे बंदे आ रहे हैं और टीएनटी चंगेज अलग ही एंगल होल्ड करके बैठे हुए हैं। वहाँ पे फाइट हो चुका है रॉर वालों का, यस यहाँ पे खत्म हो गया शायद ये फाइट, यस फ्री किल वाले आ चुके हैं, बहुत बढ़िया खेलते हैं इनका स्क्वाड। तो अच्छा फाइट देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे। टीएनटी अजाजिल क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन हो गए शायद टीएनटी अजाजिल, टीएनटी अजाजिल यहाँ पे पिट सकते हैं, यस टीएनटी ऑप्टिमस बशर्ती ऑप्टिमस यहाँ पे एपेक्स टाइ टीएनटी मांबा को नॉक कर दिया। वहाँ पे एलिट बीजीएस नूप ने फायर हो चुका है, एटीआर है क्या ब्रो, नो ही ब्रो इस बार एटीआर वाले नहीं आए, और ऑफलाइन देख लिया है यहाँ पे और नॉक कर दिया है टीएनटी अजाजिल को, फिनिश भी कर दिया है यहाँ पे। टीएनटी ऑप्टिमस आ चुके हैं यहाँ पे, इनके राइट में है फ्री किल, देख लिया है डब्ल्यूआर बशर्ती को, और लेफ्ट में टीएनटी चंगेज ऊपर, आई होप टीएनटी चंगेज को दिख गए होंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ा खतरा पड़ सकता है। डब्ल्यूआर बशर्ती को नॉक कर दिया है यहाँ पे, तो टीएनटी ऑप्टिमस भी नॉक, इसी के साथ इनका स्क्वाड खत्म होंगे यहाँ पे। यस टीएनटी चंगेज भी फिनिश हो चुके हैं, तो कब्जा जमा लिया इनके ड्रॉप पे। यहाँ पे टीएनटी मांबा वालों का पार्ट हो रहा है अभी, टीम नंबर 13 टीम ES3 के साथ, मांबा पापा रंजीत एंड बम्बल भी, ओ माय गॉड जिस स्क्वाड का हमें इंतजार था वो आ चुका है, वो घड़ी आ चुका है यहाँ पे गाइस। एलिट विजेस नूब ने बहुत बढ़िया फ्लैंक मारा है, शायद इनके पास होगा कोई स्नाइपर M4, यस पापा रंजीत के खा रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है इनकी पीछे से फटने वाली है। नूप ने बहुत बढ़िया फ्लैंक मारा है, नूप देख लेंगे यहाँ पे बम्बल बी को आई गेस, ब्रो उजी यहाँ पे आ चुके हैं, नूबू बहुत बढ़िया फैल चुके हैं इनके बंदे, वहां से मुजू वालों का भी स्क्वाड आ चुका है, तो लेट्स सी गाइस क्या होता है। पापा रंजीत के पास है खान 98, देख लो चुका है इन लोगों ने ड्रॉप पे बंदे है मुजू नीतियान, तो ये आ चुका है पापा मंबा ने दिया है मुजू नीतियान को कार 98 का चांटा। एलीट वाले बहुत बढ़िया खेले सिटी में, अच्छे स्क्वाड को निपटा के आ चुके हैं, लेट्स सी इस बार नूप को। यहाँ पे एआर वाले भी दिख रहे हैं मुझे, यस एआर वालों ने रश कर चुका है यहाँ पे, ब्रोजी देख सकते हैं शायद एआर वालों को, तो यहाँ पे और यहाँ पे टीएनटी मांबा को नॉक कर दिया है, सेड वाले आ चुके हैं नीचे नेट पड़े, तो यहाँ पे ब्रो उजी ने नॉक और फिनिश भी कर दिया है एआर के बंदे को। ब्रो नूप चीज नूप देख लेंगे यहाँ पे कैम्बे को नॉक एंड फिनिश भी कर लेंगे यहाँ पे, अपने नेड से मर गए, नॉक तो यहाँ पे नूप ने किया था। अब एआर सिड अकेले बचते हुए आए थे रश करने के लिए, लेकिन इनको बारी पड़ गया ये रश को, शायद पता नहीं था यहाँ पे दो स्क्वाड को ऑलरेडी कैंपिंग चल रहा था एक दूसरे पे, तो आप सिट चुपचाप बैठेंगे इनके फाइट का वेट करना चाहिए, ये लोग कब फाइट लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो टेंडी मांबा रिवाइव हो चुके हैं, यहाँ ऊपर मुजू नित्यान
and POV Zen. भाई दोनों आ चुके हैं आहिस्ते आहिस्ते. हॉर्सू को नॉक कर दिया, वहां पे हॉर्सू भी आ चुके हैं. ओके एक्स आमिरो तो ये फाइट काफी लंबा चढ़ने वाला है मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये लोग आउट ऑफ. और यहाँ पे नूब ने अपना लोकेशन दे दिया इनको, तो देखा जाए तो और कहीं फाइट हो रहेगा. और कहीं फाइट मेरे को नहीं दिखता है फिलहाल. तो यहाँ पे फ्री किल वालों को फाइट हो सकता है विद टॉक्सिक. टॉक्सिक जुली वाले पोचिंकी में है. पोचिंकी का ये जो स्क्वाड हो गए. ओके यहाँ पे एक स्क्वाड खत्म करते बाइक को तो दे दो. यही भाई जुली वालों ने पोचिंकी के जो पीछे वाला बहन हाउस होता है वो वेयर हाउस होता है वो खत्म कर चुके हैं. उधर एक स्क्वाड फ्री किल वाले यहाँ पे ओम शॉम लेके निकल चुके हैं, जो TNT वालों ने मंगाया था भाई लोग लेके लपेट के निकल चुके हैं. ये लोग ऐसे ऐसे जोन में जाएंगे, टॉक्सिक वालों को भी जोन में आना चाहिए. तो यहाँ पे TNT मंबा वालों को शायद पॉइंट हो चुका है फिर से. नहीं, टीम नंबर 16 यहाँ पे क्लोज इन कर चुके हैं. मुजू नित्यान POV Zen क्लोज इन कर चुके हैं यहाँ पे. तो देखते हैं यहाँ पे कितने स्क्वाड है. चार स्क्वाड है यहाँ पे. कौन किसको मार रहा है? एयर सीट का हो रहा है, नूबू के साथ फाइट है. हेलो ब्रो. हेलो 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 ब्रो. नूबू भाई काफी लो ऑन एचपी. तो देखा जाए तो 1 2 3 4 स्क्वाड, लेकिन एलीड वालों ने बहुत बढ़िया होल्ड करके बैठे. लेकिन यहाँ पे और एक स्क्वाड आते हुए पीछे से, आईबैक्स वालों का स्क्वाड. तो यहाँ पे घमासान यूज होने वाला है. 10 टीम है लेकिन TNT वाले बहुत गलत फंसे हैं जहाँ भी फंसे. शॉर्ट आउट दे दो ब्रो, न्यू टू दिस चैनल. अरे शॉर्ट आउट तो हमारे ओमेगा ब्राई ब्रो, प्लीज सब्सक्राइब करना भाई अपने चैनल को, आगे भी शेयर कर देना, लाइक कर देना अपने हमारे इस चैनल को. फ्री किल ने मुझे नित्यान को नॉक किया काफी दूर से. भाई ये बंदा क्या खेलता है यार. तो मुझे नित्यान को फिनिश भी कर चुके हैं फ्री किल. नाम पे मत जाइएगा, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ ये बहुत ओपी खेलते हैं. तो गाइस कल से अपना टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है. प्लीज टू सपोर्ट अस, लाइक कर देना. थैंक यू ब्रो. और रूम नहीं ब्रो, लास्ट रूम यार, लास्ट रूम. मुजू नित्यान अकेले बचते हुए यहाँ पे हमारे नहीं रिवाइव हो गए. AR सीट को देख लेंगे. यहाँ पे निक नॉक कर दिया है जैन को. यहाँ पे AR सीट ने खा लिया है एकदम यहाँ पे मुजू नित्यान के पार्टनर को. ना अब और इसी के साथ AR का सीट को स्क्वाड यहीं पे खत्म. बाय एलीट BGS नूबू. तो मुझे नित्यान को भी खत्म कर दिया यहाँ पे नूबू वालों ने. अब फिर से हमारे देखा जाए तो वही स्क्वाड्स वापस. TNT मामा वाले अभी भी ऊपर आराम से बैठे हैं. एक्स मैट्रिक्स ने शिल्बी जाकी को किया है नॉक विद AWM. नीड होगा तो इनके लिए बेहतर हो सकता है. नाउ लेट्स सी जोन कहाँ की तरफ करते हैं. वहां पे शेल्बी वालों को फाइट हो चुका है विद फ्री किल. शेल्बी टीम है, शेल्बी जाके शेल्बी वालों. अच्छा ये लोग टीम अप वाले थे, ये लोग 6 बंदे के साथ खेल रहे शेल्बी वाले. तो ये लोग पिटेंगे पीछे से जहीर अब्बास वालों से. शेल्बी पिकल यस. कल से रूम होगा रूम, कल से रूम होगा ब्रो. लेकिन कल से टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है ब्रो, तो इसलिए ये कुछ दिनों तक आप रूम शायद कम ही होंगे जो ये रूम्स होते हैं नॉर्मल रूम्स. बाकी टूर्नामेंट के रूम्स होंगे ब्रो. कल से टूर्नामेंट का रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया ब्रो. यू लेट, आज ही ख़त्म हो चुका है रजिस्ट्रेशन आज ही.
टीम्स फुल हो चुके हैं हमारे टूर्नामेंट में गाइस, ज़रूर देखना कल स्क्रिम्स हैं अपने, प्लीज़ जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया एटलीस्ट सपोर्ट कर सकते हो आप लोग, इतना बड़ा फैमिली है अपना, ऑलमोस्ट 1K के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखा जाए, अच्छा ये शेल्बी वाले, यार शेल्बी वाले बहुत पिटेंगे यहाँ पे मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ये लोग टीम अप तो कर चुके हैं लेकिन उनको समझ नहीं आएगा कौन किस टीम का है एक टाइम पे, जैसे ही रश होगा तो अपने ही बंदे अपनों पे चढ़ जाएंगे शायद। सब नंगे पुंगे भाई घूम रहे हैं यहाँ पे, शेल्बी गाजी बैंडेज लगा रहे हैं, एलओसी रूबेन को करेंगे नॉक। तो बीएनएफ लाइकन ने बहुत बढ़िया कवर दिया यहाँ पे, जेड अब्बास आ जाएंगे अब यहाँ से, लेकिन इनको शायद पता ही नहीं यहाँ पे टीम अप चल रहा है। गाड़ी फोर्ट के खत्म हो गया शेल्बी का एक स्क्वाड, पूरा स्क्वाड खत्म हो गया शेल्बी का, यस। तो फाइनली यहाँ पे शेल्बी का स्क्वाड खत्म, एलीट वाले आ चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्री किल वाले पीछे से आ चुके हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया रोटेशन मारा है फ्री किल वालों ने। आईबैक स्काउट काफी माने जाने प्लेयर है हमारे इस कस्टम्स के, काफी पहले भी आते थे, बहुत बंदों को पेला भी इन्होंने। तो यहाँ पे नॉक कर दिया है बीएनएफ लाइकन को आईबैक स्काउट ने, तो 6 स्क्वाड बचे हैं यहाँ पे, एलीट वाले यहाँ पे, टीएनटी वाले आ चुके हैं यहाँ पे, लेट्स सी गाइस क्या होता है यहाँ पे, टीएनटी मम्बा वाले आ चुके हैं, सीधे घुस चुके हैं यहाँ पे, लेट्स सी। अंधाधुन फायरिंग हो रहा है यहाँ पे, तो मम्बा और एक अमीरो फिनिश हो जाएंगे यहाँ पे इसी के साथ। अब बचते हैं पापा रंजीत एंड बम्बल भी को रिवाइव कर रहे हैं पापा रंजीत। टूर्नामेंट 5 दिनों तक चलेगा ब्रो, सिंगल टैप से मैच हुआ, चूतिया है सिंगल। ये है हमारे एक्स अमीरो का आवाज, एक्स अमीरो को लुसी जुबैन ने फिनिश कर दिया है। अब पापा रंजीत और बम्बल भी यहाँ से आराम से होल्ड करेंगे, फ्री किल स्मोक्स करके आस्ते आस्ते आ रहे है, फ्री किल वालों के स्कोर ने बहुत बढ़िया होल्ड किया है। दो बंदे ऊपर बैठे हैं, दो बंदे यहाँ पे फैल चुके हैं, लेकिन अगर इनका एक भी नॉक होता तो बहुत भारी पड़ सकते हैं इनके लिए, लेकिन जो इन लोगों ने रोटेशन मारा है बहुत ओपी रोटेशन मारा है यहाँ पे। बैक स्काउट एक्स मैट्रिक्स फ्री किलर, एक्स मैट्रिक्स ने पापा रंजीत को किया नॉक विथ नेड, बहुत बढ़िया नेड किया एक्स मैट्रिक्स ने। एक्स मैट्रिक्स अब कर रहे हैं रश, और एक्स मैट्रिक्स रश कर चुके हैं यहाँ पे डीबी के साथ, इसी के साथ एक्स मैट्रिक्स लेकिन खुद ही पिट गए यहाँ पे भाई पापा रंजीत। एलओसी जुबैन भी नॉक, बम्बल भी इस प्लेइंग ओपी गाइस यहाँ पे, एक्स मैट्रिक्स खत्म हो जाएंगे यहाँ पे, लेकिन आईबैक्स ते ऊपर से कवर दे रहे हैं, लेकिन आईबैक्स ते के पीछे पहुंच गए एलीट बीजेएस ब्रो के इजी। टेक्स पिस्टल भी फिनिश हो चुके हैं, इसी के साथ इनका स्क्वाड खत्म हो चुका है। वहां पे आईबैक्स ते ने पूरा एलीट के स्क्वाड को खा लिया अकेले। नाउ इट्स पापा रंजीत का स्क्वाड वर्सेस एलीट आईबैक्स का स्काउट एंड फ्री किल, आईबैक्स दे नॉक्ड बाय जोन और नहीं बचेंगे, 2v2 सिचुएशन मान सकते हैं हम यहाँ पे, 2v2 सिचुएशन। आईबैक्स दे को शायद रिवाइव करने जाएंगे स्काउट, स्मोक बॉल्स बना के पापा रंजीत को स्प्रे दिया है यहाँ पे बैरल का, बहुत बढ़िया स्प्रे दिया है यहाँ पे आईबैक्स के स्काउट ने, बहुत बढ़िया नेट। और ये देखा जाए तो यहाँ पे पापा रंजीत लोगों के पास जोन का फायदा है, यहाँ पे फ्री किल आ चुके हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया स्प्रे दिया यहाँ पे फ्री किल ने, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया रोटेशन मार रहे हैं फ्री किल।
पावर रंजीत एंड बम्बल भी प्लेइंग ओपी गेम प्ले। कल भी चिकन डिनर खाया था हमारे बम्बल भी ने, और लेकिन पावर रंजीत को देख ले यहाँ पे फ्री किल ने, ओजी उठा के हमारे बम्बल भी कवर दे रहे, लेकिन पावर रंजीत को नॉक कर दिया है। बहुत बढ़िया स्प्रे बाय, लेट्स सी बम्बल भी क्या करते, क्या अकेले खा लिया फ्री किल ने इनके पूरे स्पॉट को। तो इसी के साथ बहुत ओपी खेले, जैसे कि मैंने कहा है फ्री किल बहुत, नाम पे मत जाइएगा, बहुत ओपी खेल रहे बंदा। तो इसी के साथ मैं उम्मीद कर रहा था फ्री किल वाले शायद चिकन डिनर ले लेंगे, और इंडिया भी विद 13 किल्स बहुत ओपी खेला गाइस। तो गाइस जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करो अपने इसको, और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी तक दबा दो यार सब्सक्राइब के बटन को प्लीज, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी हम लाइव आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारा कि हम लाइव आ चुके हैं, तो आप लोग रूम में आ सकते हो तभी, नहीं तो अगर आप लोग व्हाट्सएप पे नहीं हो तो ग्रुप पे, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हो तो आपको वहीं पे मिल जाएगा नोटिफिकेशन जो भी हम अपडेट डालते हैं हमारे रूम के रिगार्डिंग। तो कल से हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट है, कल प्रैक्टिस स्क्रिम्स है हमारे गाइस, प्लीज़ आ जाना देखने के लिए, सपोर्ट कर देना, लाइक कर देना, आगे शेयर भी कर देना अगर पसंद आ जाए तो। तब तक के लिए गुड नाइट गाइस, स्टे सेफ स्टे होम, प्लीज़ स्टे नेगेटिव, डोंट बी पॉजिटिव नाउ अडेज़।